रहस्य टॉक शो आपके लिए लाया है दुनिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 10। वर्ष 1980 में थाईलैंड की क्वीन सुरानंदा कुमारी रताना अपने नौकरों के साथ नदी को पार करते हुए गर्मियों के लिए बनाए गए अपने खास महल की ओर जा रही थी। नदी पार करते हुए ही क्वीन की नाव पलट गई और वो डूबने लगी, लेकिन एक भी नौकर ने क्वीन की मदद के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया और डूबने के कारण क्वीन की मौत हो गई। लेकिन सभी नौकर पास में खड़े होकर तमाशा ही देखते रहे। अब नौकरों ने क्वीन की जान क्यों नहीं बचाई, इसके पीछे की वजह ये थी कि थाईलैंड के शाही नियम के अनुसार कोई भी आम आदमी शाही परिवार के किसी भी सदस्य को हाथ नहीं लगा सकता, और यदि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसे मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान था। बस इस नियम के कारण ही नौकरों ने क्वीन को डूबने दिया। फैक्ट नंबर 9। चेक रिपब्लिक में एक ऐसा चर्च है जिसकी सजावट 40,000 से 70,000 मानव कंकालों से की गई। ये चर्च कुतना होरा शहर में स्थित है। इस चर्च का नाम सेडलेक ऑजरी है। बाहर से तो ये सामान्य चर्च की तरह ही दिखता है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको चारों ओर इंसानों की हड्डियां ही दिखाई देंगी। इस चर्च के अंदर जाने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी चर्च में नहीं बल्कि किसी भूतिया जगह पर आ गए हैं। फैक्ट नंबर 8। दुनिया के अलग अलग देशों में इलेक्शन के समय धांधली की खबरें आती रहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये रिकॉर्ड लाइबेरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट चार्ल्स किंग के नाम पर दर्ज है। वर्ष 1927 में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्हें कुल 2,34,000 वोट्स हासिल हुए थे, जबकि उस समय रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 15,000 ही थी। इसी इलेक्शन की वजह से मोस्ट फ्रॉडुलेंट इलेक्शन इन हिस्ट्री का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड चार्ल्स किंग के नाम पर दर्ज हो गया। लेकिन नए दर्शक नीचे जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी का निशान दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए। फैक्ट नंबर 7। दुनिया में कुछ चोर ऐसे होते हैं जो चोरी करने के लिए ऐसा तरीका अपनाते हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। वर्ष 2007 में बेल्जियम में एक बैंक में चोरी की ऐसी ही एक घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। चोरी की घटना से लगभग एक साल पहले यानी वर्ष 2006 से बैंक में एक उम्रदराज शख्स आने लगा। ये शख्स जब भी बैंक आता तब वो बैंक कर्मियों के लिए चॉकलेट और जूस वगैरह लेकर ही आता। बैंक कर्मियों के साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो गई। इवेंचुअली बैंक कर्मियों ने इस शख्स को बैंक वॉल्ट का VIP एक्सेस दे दिया। VIP एक्सेस मिलने के बाद इस शख्स ने बैंक वॉल्ट से $28 मिलियन की कीमत के हीरे चुरा लिए और गायब हो गया। जब उस शख्स की तलाश शुरू की गई तो पता चला कि वो शख्स फेक आइडेंटिटी यूज कर रहा था। फैक्ट नंबर 6। दुनिया के लगभग सभी देशों में आत्महत्या करना गैर कानूनी है, लेकिन कुछ ऐसे देश है जहां पर कोई रोक नहीं। ऐसे देशों में रहने वाले लोगों के लिए फिलिप निश्चेक ने एक सुसाइड पोर्ट का आविष्कार किया है। इस सुसाइड पोर्ट का नाम सार्को है। सुसाइड करने की इच्छा रखने वाले लोग इस सुसाइड पोर्ट के अंदर जाकर पेनलेस मौत पा सकते हैं। इस पोर्ट के अंदर मौजूद गैस स्ट्रगलिंग पैनिक और सफोकेशन के सेंस को खत्म कर देती है। इस वजह से जब सुसाइड करने वाला शख्स इस पोर्ट में लेटता है तब उसे कुछ भी एहसास नहीं होता है और उसे एक आसान मौत मिल जाती है। दुनिया के ज्यादातर लोग इस सुसाइड पोर्ट का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस मशीन की वजह से लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। ऑस्ट्रिया में एक लव बर्ड चट्टान के शिखर पर मौजूद था जहां बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रपोजल से वो लड़की इतने खुश हुई कि वो वहीं पर खड़ी होकर झूमने लगी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और चट्टान से वो 650 फीट नीचे आकर गिर गई। गर्लफ्रेंड को बचाने के चक्कर में बॉयफ्रेंड भी चट्टान से 50 फीट नीचे गिर गया। थैंकफुली इस घटना में दोनों की जान बच गई और दोनों को बस मामूली चोटें ही आई। फॉल इन लव के किस्से तो खूब सुने थे, आज देख भी लिया। फैक्ट नंबर 4। ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ने एक बार अलकायदा की वेबसाइट को हैक कर लिया था। वेबसाइट हैक करने के बाद उस पर मौजूद बॉम्ब बनाने के इंस्ट्रक्शंस को हटाकर कपकेक बनाने की रेसिपी डाल दी गई। इसके अलावा वेबसाइट पर मौजूद ओसामा बिन लादेन समेत दूसरे आतंकवादियों के कई भड़काऊ आर्टिकल्स को हटा भी दिया गया। फैक्ट नंबर 3। अमेरिकन एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन आज करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इनके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तमाम कोशिशों के बावजूद जब सिल्वेस्टर एक दिन अपने लिए खाना नहीं जुटा सके तो तब उन्होंने अपने डॉग को $40 में बेचकर खुद के लिए खाना खरीदा। लेकिन जब वक्त ने करवट बदली और सिल्वेस्टर स्टेलोन एक स्टार बन गए तो तब उन्होंने जिस डॉग को $40 में बेचा था उसे $15,000 में वापस खरीद लिया। फैक्ट नंबर 2।
कुछ लोग जानबूझकर लाइव टीवी पर ऐसी हरकतें करते हैं जो बाद में उनके लिए शर्मिंदगी की वजह बन जाती है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इरादा तो सही होता है लेकिन अंजाम गलत हो जाता है। कुछ ऐसी ही घटना इन दो न्यूज रिपोर्टर्स के साथ हुई। इस लाइव शो के दौरान महिला गेस्ट सोफे पर बैठी थी जबकि मेल रिपोर्टर उनके पास ही खड़ा था। इसी दौरान एक ऐसी घटना हो गई जो इन दोनों के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गई। पुरुष रिपोर्टर ने अचानक ही सोफे पर बैठी महिला की टी शर्ट ऊपर उठा दी। अपने साथी की इस हरकत को देखकर वो महिला हैरान रह गई। महिला ने तुरंत ही अपनी टी शर्ट ठीक की। चूंकि दोनों ही लाइव शो कर रहे थे इस वजह से इस स्थिति को संभालते हुए उन दोनों ने इस हरकत पर हंसना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर वन, स्पेनिश फैशन डिजाइनर मानेल टोरेस ने दुनिया के पहले क्लॉथ्स स्प्रे का आविष्कार किया है। इस स्प्रे को बॉडी पर अप्लाई करने के बाद इसे आम कपड़ों की तरह उतारा भी जा सकता है और फिर धोने के बाद दोबारा पहना भी जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको कौन से नंबर का फैक्ट सबसे ज्यादा रोचक लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।